हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आपके YouTube चैनल डिफेंस कोचिंग क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर का कंसेप्ट पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आदर्श अग्रवाल का जो NANDA का बुक होता है उसका वेक्टर का सीरीज चल रहा है, उसमें जितना क्वेश्चन दिया गया है आदर्श अग्रवाल में उसको डिस्कशन लगातार दो वीडियो में हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आगे आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर हमें कमेंट करके बता देंगे तो हम उस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर क्या होता है और वेक्टर से हम लोग क्या समझते हैं, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर में, उसमें तीन चार टॉपिक में बता देता हूं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्या होता है, उसके बाद जानेंगे ज्वाइनिंग वेक्टर, उसके बाद जानेंगे पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड जितना आपका क्वेश्चन होगा उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वेक्टर। देखिए, कोई भी वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, चाहे पहले भी पढ़ा होगा। वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास दो चीजों की रिक्वायर्ड होती है, एक तो इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए और दूसरा इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। कोई भी वेक्टर हो उसके पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अब आइए देखते हैं कि वेक्टर का प्रकार कुछ प्रकार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक आता है शून्य वेक्टर क्या होता है। देखिए, शून्य वेक्टर नाम से ही आपको स्पष्ट है कि शून्य सदिश या जीरो वेक्टर हम इसको बोल सकते हैं, इसके माने होता है जिसका परिमाण जीरो हो उसके उसको शून्य वेक्टर कहते हैं। देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, मान लीजिए अगर कोई एक लाइन है जिसमें एरो ऐसे बना दिया गया और इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका यानी लेंथ ए है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं ऐसे ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जो लिखते हैं तो ए आपका क्या है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वैसे भी शून्य सदिश का हमेशा जो परिमाण होता है वो आपको जीरो होगा। आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश क्या होता है। तो इकाई सदिश भी देखिए, इकाई सदिश का भी नाम से ही क्लियर है कि इकाई सदिश क्या होगा, जिसका परिमाण ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण वन हो उसको इकाई सदिश कहते हैं। देखिए, परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो इकाई सदिश क्या होता है, इकाई सदिश ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे। इकाई सदिश को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई ई वेक्टर दिया है कह है, अगर पूछेगा इसका इकाई सदिश क्या होगा यानी यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो हम इसको लिखेंगे ई कैप। ये जो कैप दर्शाता है ना, यही यूनिट वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करता है। ई कैप इक्वल टू होता है ई वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं आप, राइट। ये आपका इकाई सदिश निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए, इकाई सदिश निकालने के फॉर्मूला में आपको ये वेक्टर तो समझ में आ रहा है कि कोई एक वेक्टर होगा, और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का
हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई ई वेक्टर इज इक्वल टू दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए मैग्नीट्यूड को आप मोड में लिखेंगे तो ए वेक्टर लिखेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू केवल ए, और इसका रूट में लेंगे इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका जो आता है ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं बताया हूं कि यूनिट वेक्टर के बारे में, तो यूनिट वेक्टर का हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। यदि एम ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है तो ए का मान बताओ, ए का मान बताओ जहां m नॉट इक्वल टू जीरो। कह रहा है m ए वेक्टर एक इकाई सदिश हो तो ए का मान क्या होगा यदि m जीरो नहीं है। तब देखिए जो इकाई सदिश होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। तो एम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए, राइट। अब देखिए इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं एम ए वेक्टर, इसको अलग से लिख सकते हैं ऐसे इक्वल टू वन। ये जब आप डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा इसको कैसे तोड़ा जाता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां से हमें ए वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर आप निकाल लीजिए, ए वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा वन बाय मोड में एम, यही आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं आगे का टॉपिक कि अस्थाई सदिश क्या होता है, अस्थाई सदिश के बारे में डिस्कस करते हैं। अस्थाई सदिश को हम इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर देखिए अगर मान लीजिए कोई एक निर्देशांक ऐसे दे दिया है एक्स और वाई में, राइट, इसको एक्स इसको वाई बोल दीजिए। अगर यहां पे कोई पॉइंट है एक्स वन वाई वन और इसको पी मान लीजिए और इसको ओ मान लीजिए ओरिजिन से, इसको मिलाया जा रहा है तो ये जो वेक्टर बन रहा है, ये वाला जो वेक्टर बन रहा है इसी को हम अस्थाई सदिश बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन, ऐसे आपको लिखा जा सकता है। अब देखते हैं ये तो मान लीजिए दो टर्म में आया एक्स और वाई में, अगर एक्स वाई जेड में हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, इसको हम क्या लिखते हैं i कैप, इसको j कैप और इसको k कैप। यहां पे कोई एक पॉइंट है x y z और इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, इसको p मान लीजिए, तो ये जो ज्वाइन करेगा ये वाला वेक्टर यही अस्थाई वेक्टर होगा, अस्थाई सदिश होगा। तो अस्थाई सदिश
ओपी वेक्टर इसका टू आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आगे हम देखते हैं इंक हम डाल लेते हैं उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने तीन बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया किए हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो आइए हम इस पे इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड को ये वेक्टर लिखना होगा। तो हम इसको मोड में लिखते हैं, यानी तो ये को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू रूट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अगर हमें इसी वेक्टर का जो ये वेक्टर है, इसी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ए कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको हम रूट में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इसमें क्या निकालना था, ये हमें वेक्टर दिया था, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लिए। मैग्नीट्यूड के बाद हमें ये वेक्टर को हमें फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर लिए। आगे हम देखते हैं कि एक वेक्टर दिया है और उसमें कुछ फाइंड करना है तो वैसे कैसे सॉल्व होगा। अगर कोई एक वेक्टर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर वन एम आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यह यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हो तो m की वैल्यू क्या होगी, m निकालना है। अगर एम आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एक यूनिट वेक्टर है तो m का वैल्यू क्या होगा। तो m का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा एम का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन और वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन, राइट। इक्वल टू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन, तो ये वन के बराबर होना चाहिए। अब देखिए रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। तो एम इक्वल टू आपको रूट में माइनस वन मिल जाएगा, इसको हम आई भी लिख सकते हैं, इसको आयोटा पढ़ा जाता है, राइट। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा तो उसके बारे में पूरा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे। इसके बाद से आगे की जो कंसेप्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और उसके बारे में क्वेश्चन इसका जो प्रैक्टिस कराना है क्वेश्चन का उसमें नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करा दूंगा। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।